हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा वर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सहजन के फूल के बड़े बनाना बताएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इनको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। जाड़े का मौसम चल रहा है, इस समय आसानी से सहजन के फूल आपको कहीं भी मिल जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए हमने कुछ सहजन के फूलों को लिया है, साथ ही इसके हमने बड्स को भी लिया है। लेकिन इसको बनाने से पहले हम बड को चेक करेंगे। ऐसे इसको खोलकर देखते हैं, इसमें कीड़े नहीं होने चाहिए। ये देखिए, ये बहुत साफ है। अब हम ये सारे फूल को और बड को ऐसे तोड़ लेंगे। हमने सारे फूलों को और बड्स को तोड़ लिया है। अब इनको हम अच्छे से पानी से धो लेंगे। इसको धोने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इनको हम 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनका पानी हम ड्रेन कर देंगे। देखिए, इन फूलों का पानी हमने ड्रेन कर दिया है। अब इनको हम ऐसे दबाकर इनका बचा हुआ पानी निकाल देंगे। ये देखिए, सहजन के फूलों में बहुत कसैलापन होता है। जब उनको हम बॉयल करके इस तरह से उनका पानी निकाल देते हैं तो इसका कसैलापन निकल जाता है। इसी तरीके से हम पूरे फूलों का पानी निकाल देंगे। देखिए, इसका हमने पूरा पानी निकाल दिया है। अब इसके हम बड़े बनाएंगे। बड़े बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। हमने चने की दाल ली है, इसको हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। 1 बाउल चने की दाल है, आधा बाउल चावल का आटा, 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए, ऑयल फ्राई करने के लिए, 1 गुच्छा हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च चॉप की हुई। अब सबसे पहले हम चने की दाल को पीस लेंगे। ये दाल का पेस्ट बना लिया है। अब बाउल में फूल में हम ये दाल का पेस्ट डालेंगे, चावल का आटा डालेंगे, प्याज डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देखिए, ये सब चीजें अच्छे से मिल गई हैं। अब एक पैन लेंगे, पैन में ऑयल गरम करेंगे। अब इस मटेरियल में से थोड़ा सा हम ऐसे लेंगे और इसको हम बड़े का शेप देंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब तेल गरम हो गया है और उसमें हम ऐसे डाल देंगे। अब इनको हम पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इनको हम गोल्डन ब्राउन ट्राई करेंगे। इनको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
ये फ्राई हो गए हैं, इनका कलर कितना सुनहरा हो गया है। देखिए ये फ्राई हो गए हैं, इनका कलर कितना प्यारा हो गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम और बड़े भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इनको पकौड़ी की तरह भी बना सकते हैं। हमने इसमें रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी अब ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। ये सहजन के फूल के बड़े तैयार हैं।